हेलो एंड वेलकम चिल्ड्रन, टुडे आई विल बी डिस्कसिंग रशियन रिवॉल्यूशन। तो नया वीडियो लेकर आया हूँ मैं आपके सामने रशियन रिवॉल्यूशन का। इसमें फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, क्योंकि अलग अलग फेज़ में हुआ था, तो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, तो इसको डिस्कस करते हैं। पॉइंट वाइज मैंने नोट्स तैयार किए, आप इसको नोट अपने नोटबुक में नोट कर लें, ठीक है। तो स्टेप वाइज कुछ भी नहीं छूटेगा इसमें। एक्चुअली क्या था कि देयर इज़ अ रिवर, एक रिवर थी नेवा। तो रिवर नेवा के लेफ्ट साइड में तो जो वर्कर्स रहते थे और एक साइड रहते थे गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी और जार के और अच्छे लोग रहते थे, दूसरी तरफ वर्कर्स रहते थे। अब पहला पॉइंट मैंने लिखा है 1917 फूड शॉर्टेज वर फेल्ट डीपली इन द वर्कर्स क्वार्टर। 1917 में ब्रेड की प्रॉब्लम हो गई थी, फूड शॉर्टेज हो गया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं वर्ल्ड वॉर को। दूसरा, एक तो कमी थी फूड की, दूसरा एक्सट्रीम कोल्ड और हैवी फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट जो कोहरा गिरता, जो गिरता है सुबह, ठंड होती है जिसमें सर्दियों में, पाला जिसे कहते हैं, उनकी सिचुएशन को और ख़राब कर दिया। तीसरा पॉइंट है 22 फरवरी को एक फैक्ट्री लॉक्ड आउट कर दी गई ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा। राइट में ये लोग रहते थे, लेफ्ट में अच्छे लोग रहते थे, मतलब इलीट लोग रहते थे कह सकते हैं, अच्छे तो नहीं कहना चाहिए। तो वहाँ एक फैक्ट्री बंद कर दी गई। जब फैक्ट्री बंद कर दी गई तो वर्कर्स बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो चौथा पॉइंट है ऑन 23 फरवरी उनकी सिंपैथी के लिए 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए, सराउंडेड द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग को घेर लिया, स्लोगन्स रेज किए गए, तो जार ने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया। पांचवा पॉइंट है ऑन 24 एंड 25 फरवरी कैवलरी वॉज कॉल्ड टू सप्रेस द स्ट्राइक। स्ट्राइक को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए कैवलरी को बुलाया गया। कैवलरी घुड़सवार पुलिस होती है, घोड़े वाली पुलिस, तो उसको बुलाया गया। बट दे रिफ्यूज टू ओपन फायर ऑन वर्कर्स। अब पुलिस वाले भी इंसान ही होते हैं और देश की कंडीशन भी उन्हें पता थी और वर्कर्स की कंडीशन भी उन्हें पता थी, तो उन्होंने अपने ही देश के लोगों, अपने वर्कर्स पे फायर खोलने से, यानी कि गोलियां चलाने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। तो ये बहुत बड़ी इंसिडेंस थी। अब छठा पॉइंट है कि 25 फरवरी को जार ने पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया, सस्पेंड कर दिया। मतलब जार, ऐसी जब इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है तो ऐसा कर दिया जाता है, पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया जाता है और जो प्रेसिडेंट है वही सब कुछ हो जाता है। सेवन्थ पॉइंट लिखा है कि 26 फरवरी को कैवलरी सोल्जर्स ज्वाइंड द वर्कर्स एंड फॉर्म्ड सोवियत, जिसको हम रशियन लैंग्वेज में सोवियत बोलते हैं और काउंसिल उसका मतलब होता है। तो सोल्जर्स ने क्या किया, जो उन्होंने जिसको, जिन पर गोली चलाने के लिए उनको लेके आया गया था, उन्हीं से उन्होंने हाथ मिलाया और सोवियत बना दिया, यानी कि एक काउंसिल बना दी जिसको पेट्रोग्रेड सोवियत बोला जाता है, याद रखिएगा, पेट्रोग्रेड सोवियत। आठवां पॉइंट है कि जार एब्डिकेटेड ऑन द एडवाइस ऑफ आर्मी कमांडर। जार को उसके सिंहासन से, उसके थ्रोन से हटा दिया गया, उसके पद से, उसके डेजिग्नेशन से उसको हटा दिया गया आर्मी कमांडर की एडवाइस पर, और सेकेंड मार्च को ये किया गया और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई ताकि देश चल सके। प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है कि काम चलाने के लिए उस वक्त जो व्यवस्था की जाती है उसको प्रोविजनल कहते हैं। अब आप समझ लीजिए, जैसे कि 1947 में देश आज़ाद हुआ तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को प्रोविजनल गवर्नर बना के अंग्रेज यहाँ से छोड़ के चले गए, उसके बाद इलेक्शन हुआ, प्रॉपर गवर्नमेंट बनी। और दसवां पॉइंट है, पेट्रोग्रेड सोवियत जो बनाई थी वर्कर्स ने और पुलिस ने, हैड लेड फेब्रुअरी, तो उन्होंने ही इस फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन को लीड किया और मोनार्क दे दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की 19 और मोनार्की को यहाँ पर उन्होंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। तो ये रशिया का फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन था। इसको पॉइंट बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने बता दिया आपको। तो आज के लिए इतना बहुत है, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।